रामपुर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मी इस योजनाओं को पलीता लगाते हुए अपने घरों में बैठे हैं, जबकि हमारे देश के स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मी, डॉक्टर कोरोना वायरस को लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग इन योद्धाओं की फूल मालाओं से स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला रामपुर क्षेत्र के ग्राम पीपली नायक का है, जहां लोगों का कहना है कि यहां बने स्वास्थ्य केंद्र लगभग 50 दिनों से नहीं खोला गया है। यहां के ग्रामवासी स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से काफी निराश हैं। लॉकडाउन में गरीब मजदूर तबके के लोग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, मगर चिकित्सक महोदय व स्टाफ यहां से नदारद है। लोगों का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 10 गांव जुड़ते हैं, लेकिन क्या कारण है पीपली नायक गाँव में बने स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पा रहा है। अब देखना ये है कि इस ओर स्वास्थ्य विभाग कब तक रुक कर पाता है। ये जो आपके वहाँ पे अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कब से बंद है यहाँ पर? जिस समय लॉकडाउन हुआ है वही से, जब से बंद है। जब से बंद है, कोई यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी कोई नहीं आया? नहीं, बिल्कुल बंद पड़ा है। ये लिखा हुआ है इस पर, ये मीडिया यहाँ पे लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब रामपुर दवाई लेने के लिए गए। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ था? जी, ये मिट गया है। यहाँ बच्चों के साथ मिटा दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब रामपुर दवाई लेने के लिए गए। तो अभी तक जब से आए नहीं है लॉकडाउन से, अभी तक नहीं खुला। पेशेंट आते हैं यहाँ से लौट के चले जाते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है। जो है बहुत से लोग, जब बाहर जाना भी लोगों के लिए बंद है, यहाँ पर जो है सारी सुविधा उपलब्ध होती तो लोग जो है परेशान भी है, कम होते। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं? पिपली नायक। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये आपका, ये कब से बंद है? ये 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 24 तारीख से लॉकडाउन हुआ, ये बंद है। उसके बाद अभी कोई स्टाफ नहीं आया? कोई नहीं आया, खुला ही नहीं है बिल्कुल। उसके अंदर भी घास फूस जम चुकी है, काफी स्थिति इसकी जर्जर है। अच्छा, आपके पीपली की जो आबादी है कितनी आबादी है? ये यहाँ की आबादी लगभग 10,000 के समथिंग होगी, इस पंचायत की आबादी। और इस गाँव से, इस हॉस्पिटल से लगभग 14-15 गाँव जुड़े हुए हैं, जो दवाई लेते थे यहाँ से। काफी लोग यहाँ आते हैं, वापस हो रहे हैं यहाँ। अच्छा, कौन कौन से गाँव जुड़े हुए हैं यहाँ से? जैसे ये हुआ मेमनपुर है, सरकथल है, मिलक है, इधर रामनगर है, चक है, खानपुर, रूपापुर, सीरका, कुड़ेसरा, इस काफी गांव से लगे हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत नहीं करी? शिकायत इसकी कहाँ है, सरकार की तरफ से आदेश है सभी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, लेकिन यहाँ कोई आया है और न कुछ इसका खोला गया है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग जो कहते हैं एक तरफ तो बहुत मेहनत कर रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं क्या लापरवाही भी लगी स्वास्थ्य विभाग की? हाँ, जहाँ मेहनत कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई आया नहीं है, गाँव तक तो कोई सुविधा है नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा ग्रामीण कैसे करते हैं उन्होंने? जैसे यहाँ से इसका CHC जो बड़ा हॉस्पिटल जो CHC वो टांडा है, लेकिन टांडे तक भी अब जो कर्फ्यू लगा है वहाँ तक भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे ही अपना दवाई वाई का अपना बंदोबस्त जैसे कर रहे हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नहीं है यहाँ पर। शहर बात आते हैं, वापस होते हैं यहाँ।